दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं ओप्पो F23। जी हाँ, जो 5G नया लॉन्च हुआ है उसका अनबॉक्सिंग वीडियो। जी हाँ, हमारे पास ये दो कलर में अवेलेबल मिल गया है, एक ब्लैक कलर में, एक गोल्ड कलर में, दो कलर में अवेलेबल ही मिलता है। तो मैं आज गोल्ड कलर का जो है अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। सबसे पहले चलिए बॉक्स को खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं बॉक्स खोलते हैं, यहाँ पर आपको मैनुअल गाइड्स मिल जाएगा, एक नॉर्मल सा जो केस होता है देख सकते हैं वो मिल जाएगा। और ये क्या मैं देख सकता हूँ, ये 80 वॉट का चार्जर इसमें आपको दिया हुआ है। जी हाँ, लेकिन ओप्पो में तो लिखा था, बॉक्स में भी लिखा हुआ है कि 67 वॉट का ही चार्जर इसमें दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों कि 80 वॉट का चार्जर दिया हुआ है। इसके बारे में मुझे सही से पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन ये फ़ोन जो है वो ओनली 67 वॉट का ही चार्जर सपोर्ट करता है, तो इसी कारण से लगता है कि इसमें 67 वॉट का जो फीचर्स दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन का जो पीछे में देख सकते हैं बैक साइड में, तो बहुत ही गजब का डिज़ाइन लग रहा है भाई साहब। लेकिन ये कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है जैसे ओप्पो का जो A78 आया था, वो आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे साइड में आपको 64 मेगापिक्सल का AI कैमरा दिया हुआ है, और एक कैमरा जो दिया हुआ है वो माइक्रोस्कोप कैमरा इसमें दिया हुआ है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से A78 के तरह सिमिलर लुक लाइक आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं हल्का फुल्का चेंज किया गया है, लेकिन जो कलर इसका जो लग रहा है वो बहुत ही गजब लग रहा है। देख सकते हैं थिकनेस की बात करें तो थिकनेस भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं सिम ट्रे टूल लगा सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में माइक वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे साइड में आपको फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, और नीचे में देख सकते हैं 3.5 mm का जैक दिया हुआ है, माइक दिया हुआ है, स्पीकर दिया हुआ है, और चार्जिंग के लिए केबिल लगाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले फ़ोन को कर लेते हैं स्टार्ट, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, फ़ोन में बात करूँ तो फ़ोन जो है ओप्पो का कुछ दिनों से जो मैं देख रहा हूँ ओप्पो के कुछ सालों से सिमिलर फ़ोन ही उन्होंने लॉन्च करता है। ठीक है, हल्का फुल्का चेंजेस कर देता है, बस नाम चेंज कर देता है, लेकिन जो फ़ोन होता है वो सिमिलर ही लॉन्च करता है। कलर OS पे ये काम करता है। ठीक है, बात करें इसमें तो मैंने इसका कुछ रिव्यू भी चेक किया, अमेज़ॉन वगैरह पर रिव्यू चेक किया, भाई साहब रिव्यू बहुत ही ज़्यादा बेकार था। जी हाँ, रिव्यू बहुत ही ज़्यादा बेकार था, क्योंकि ओनली 2 स्टार और 1 स्टार ही मिला है, क्योंकि बहुत लोगों ने हीटिंग इशू बताया, चार्जिंग लेट हो रहा है ये बताया। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये फ़ोन लेने का, क्योंकि जो इसका मैंने रिव्यू देखा, मैंने और भी सब प्रोडक्ट का रिव्यू देखा था, तो वो मुझे उतना खास दिखा नहीं। बेजल्स की बात करते, हाँ डिस्प्ले में अच्छा काम किया गया है, लेकिन इस प्राइस रेंज में मैं बात करूँ एमोलेड डिस्प्ले कम से कम इसको देना चाहिए था। जी हाँ, आगे में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। कैमरा के लिए तो ओप्पो और वीवो तो आप जानते ही हैं बहुत ही ज़बरदस्त है, कैमरा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, जो कि डिस्प्ले को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाता है। LCD पैनल है, पैंडा ग्लास इसमें यूज़ किया गया है, 6.72 इंचेस का आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये एंड्रॉयड 13 में देख सकते हैं काम करता है, क्वालकम का 695 का 5G ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया हुआ है। देख सकते हैं 8GB तक का रैम आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। जी हाँ, आप बात करें तो इसमें जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले का वो बहुत ही अच्छा है, 550 निट्स नॉर्मल दिया हुआ है, अब बाहर अगर आप यूज़ करते हैं तो 680 निट्स का आपको जो ब्राइटनेस है वो देखने को मिल जाएगा। फ़ोन में मैं बात करूँ, मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो फ़ोन हल्का वाटर रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो हल्का अगर पानी वगैरह ये हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है, और भी सब फीचर्स वगैरह जो है सिमिलर जैसे ओप्पो का फ़ोन में जो रहता है पहले का वो सिमिलर दिया हुआ है। A78 देख लीजिए, सब दे दीजिए, सब आपको सिमिलर ही आपको जो है फंक्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें जो मेन जो खास चीज़ दिया हुआ है, मैं बॉक्स में देख पा रहा हूँ कि 40x का माइक्रो लेंस दिया हुआ है। जी हाँ, इससे पहले F21S शायद उसमें था, उसमें भी माइक्रो लेंस दिया हुआ था, तो उसमें का कॉम्प्रोमाइज़ में उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी आप वीडियो एक बार चेक कर सकते हैं, उसका लेंस बेहतर है कि इसका लेंस बेहतर है, मैं आपको अभी इसको चेक करके बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना जो रिफ्रेश रेट है मेंटेन कर सकते हैं, देख सकते हैं अभी हाई में है तो ये स्मूथ काम करता है। स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं तो 60 FPS तक का रख सकते हैं, देख सकते हैं 60Hz का यहाँ पर आप रख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसमें जो है, इसमें 16.7 मिलियन का कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। जी हाँ, कलर डेप्थ 16 मिलियन दिया हुआ है, जो कि 8 nits का होता है। तो देख सकते हैं कैमरा की बात करें तो कैमरा तो भाई साहब इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, कैमरा बहुत ही ज़बरदस्त है, हम जैसे कोई बहुत ज़्यादा ही गोड़ा बना देता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं सबसे मेन चीज़ इसका जो है माइक्रो लेंस। जी हाँ, माइक्रोस्कोप का जो कैमरा है देख सकते हैं 20x तक भी कर सकते हैं और 40x तक भी कर सकते हैं। तो मैं पहले 20x तक का आपको दिखाता हूँ एक फ़ोटो वोटो लेके, तो देख सकते हैं ये जो मैंने कुशन लिया है इसमें देख सकते हैं फ़ोटो मैंने क्लिक किया है, तो देख सकते हैं वाओ
तो ये तो बहुत ज़बरदस्त है यार, देख सकते हैं अंदर का जो धागा वगैरह सब दिख रहा है, उसमें गंदगी क्या दिया हुआ है सब उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। 40x में मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैंने अपने जो पैंट है उसमें का फ़ोटो एक क्लिक किया है, देख सकते हैं एक एक धागा तक भी अंदर का दिख रहा है, जो कि आँखों से देखना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब डॉक्टर वाला काम ये फ़ोन ही कर देगा, ठीक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं कैमरा जो है और सब डिसेंट सा दिया हुआ है। रेयर कैमरा जो है 1080 पिक्सल तक, 30 FPS तक ही आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब स्लोमो वगैरह आपको करना है तो 720 पिक्सल का जो स्लोमो है वो 120 FPS तक का कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड में देख सकते हैं फोटो का क्लियरिटी कितना अच्छा दिया हुआ है, जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो पोर्ट्रेट कर देता है, बैकग्राउंड वीडियोज़ वगैरह आप ले सकते हैं। नाइट मोड मतलब अच्छा जो कंटेंट बनाने के लिए कैमरा के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है ये, कैमरा के लिए तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। बात करें डिस्प्ले वगैरह, मुझे सही में डिसअपॉइंट किया गया है, LCD डिस्प्ले दिया गया है इस प्राइस रेंज में, कम से कम एक एमोलेड डिस्प्ले देना चाहिए था और फिंगरप्रिंट जो है वो डिस्प्ले में होना चाहिए था। ठीक है, चार्जिंग की बात करें तो 67 वॉट का चार्जिंग इसमें आपको ओनली सपोर्टेड मिल जाता है। फ़ोन आपको एक ही वेरिएंट में मिल जाएगा, 8 GB RAM और 256 GB का रोम दिया है, जो कि मुझे वो ज़्यादा खास लगा। ठीक है, बात करें इसके प्राइस की तो ये आपको ओनली 25,000 में मिल जाएगा। आप इससे अच्छा बेहतर ऑप्शन ले सकते हैं 25,000 के रेंज में। ठीक है दोस्तों, ये रहा मेरा ओपिनियन F23 जो है ओप्पो का। मैं फुल अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो बना दिया, मुझे जो अच्छा लगा मैंने बताया, मुझे जो बुरा लगा वो बताया। ठीक है, अगर आपके ऊपर है कि आप 25,000 खर्चा करके ये फ़ोन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये फ़ोन आप ना ही ले तो ही सही है, क्योंकि इसमें फीचर्स वगैरह जो है पहले के जैसे ही सिमिलर दिया हुआ है। लुक डिज़ाइन वाइज बहुत ही अच्छा है, कैमरा भी बहुत अच्छा काम करता है, माइक्रो लेंस जो दिया हुआ है वो भी बहुत ही अच्छा काम करता है। 24-25 हज़ार के रेंज में आप और भी डिफरेंट मॉडल देख सकते हैं। ठीक है, ओप्पो का A78 वगैरह भी जो भी है वो भी आपको अच्छा सर्विस देता है। ठीक है, डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले मुझे उतना खास पसंद नहीं आया, जो भी था मेरा खुद का रिव्यू था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिसको भी नया फ़ोन लेना हो उसके संग ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो अपने हिसाब से समझ सके कि ये फ़ोन उसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।